हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग टू रिलीज विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट। अब ये है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, और सबसे पहले नाम देखिए, विजन इंडिया 2047। तो 2047 तक इंडिया का क्या विजन है, इतना तो समझ में आ रहा है हमें। वो लिखा होगा इस डॉक्यूमेंट में कि इंडिया 2047 तक क्या अचीव करेगा। तो ये इंडिया के एक लॉन्ग टर्म गोल अभी हम लोग कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्या, कंट्री के रिस्पेक्ट में ये तो एक शॉर्ट टर्म गोल होगा 2047, क्योंकि कोई भी पॉलिसी ऐसी बड़ी ही होती है, तो एक ही कंट्री के रिस्पेक्ट में शॉर्ट टर्म गोल है। तो चलिए देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट इज इन द मिडस्ट ऑफ फाइनलाइजिंग नेशनल विजन प्लान। तो मतलब बीच में है फाइनलाइज करने के नेशनल विजन प्लान टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो इंडिया को डेवलप्ड नेशन, आज इंडिया डेवलपिंग है, उससे उसको डेवलप्ड बनाना है। कि डेवलपिंग अभी डेवलप हो रही है, और डेवलप मतलब डेवलप हो चुकी है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। एंड इंश्योर दैट द कंट्री डज नॉट स्लिप इन टू अ मिडिल इनकम ट्रैप दैट सेवरल कंट्रीज हैव फॉलन इन टू अ सिमिलर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। तो जो बहुत सारे कंट्रीज के साथ ऐसा हुआ है कि मिडिल इनकम ट्रैप में ये लोग फंस गए, वो ना हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू अनवेल द प्लान विद इन द नेक्स्ट 3 months, विच इंक्लूड्स एन आउटलाइन ऑफ रिफॉर्म्स एंड आउटकम्स टू बी अचीव बाई 2030, अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन गवर्नेंस दैट विल बी क्रिटिकल टू मेक इंडिया $30 ट्रिलियन इकॉनमी बाय 2047, विथ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $18,000 to $20,000। आज अपना पर कैपिटा इनकम क्या है, अपना है $1,200-1,400, मतलब 1,500 से कम है। तो आप देखिए, आज ये है, और इससे मतलब अगर हम लोग ढंग से देखें तो 10 times करना है। कब तक, 2047 तक। द नीति आयोग इज गिविंग अ फिनिशिंग टचेस टू द प्लान कॉल विजन इंडिया एट द रेट 2047 दैट हैज़ बीन इन द वर्क ऑफ ऑलमोस्ट 2 years एंड वॉज प्रेजेंटेड टू कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गूबा लास्ट मंडे। इन नवम्बर पार्लेज विल बी हेल्ड विथ थॉट लीडर्स एंड कॉर्पोरेट सेट सच एज टिम कुक, सुंदर पिचाई, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, के एम बिरला, एन चंद्रशेखरन एंड इंदिरा नुई टू ग्लीन देयर इनसाइट्स। अब यहाँ पे देखिए, एक मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ आपको। जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ इंदिरा नूयी के बारे में पढ़िए। मुझको लगता है एज अ गर्ल आपको अगर डेवलप करना है, आप जो गर्ल एम्पावरमेंट बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, इंदिरा नूयी को पढ़ के होगा। उनको पढ़िए, कौन है, क्या क्या उनके लाइफ के स्ट्रगल्स है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और भाई, मिडिल क्लास लड़को, सुंदर पिचाई को देख लो, यहीं से IIT से पढ़ के गया बंदा, कहाँ पहुँचा है। गौतम अडानी को देख लो, अंबानी को देख लो, बिरला जी को देख लो, इन लोग को फॉलो करो यार। तुम लोग के रोल मॉडल कौन है, हीरो हीरोइन है, अरे ये रियल लाइफ हीरो, इन लोग को फॉलो करो। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ऐसा कुछ बना रहे हैं, ऐसा विजन प्लान कर रहे हैं कि इंडिया पहली बात तो एक डेवलप्ड हो जाए, दूसरा मिडिल इनकम ट्रैप में ना आए इंडिया। तो ये मिडिल इनकम ट्रैप है क्या, चलिए देखते हैं मिडिल इनकम ट्रैप क्या है। बाय डिसंबर वी विल हैव अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द प्लान रेडी एंड सेवरल स्टेट्स आर ऑल्सो इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन रोड मैप्स। नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO BVR सुब्रमण्यम सेड ऑन संडे, द नेशनल प्लान ऑल्सो सीक्स टू एड्रेस रीजनल क्लीवेजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसेस। द बिगेस्ट थिंग वी आर ऑल वरीड अबाउट इज वॉट इज कॉल्ड द मिडिल इनकम ट्रैप। यू कैन रीच अ $5,000 to $6,000 पर कैपिटा इनकम एंड देन विल नॉट मूव फास्ट। द होल पर्पज ऑफ द विजन इज टू अवॉइड दैट एंड टेक द कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल, ही सेड, साइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ अर्जेंटीना दैट हैज फेल्ड टू लिव अप इट्स प्रोमिस ओवर द ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें होता है क्या, मिडिल ट्रैप में आप इस लेवल तक तो अचीव कर लेते हो, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। मतलब मिडिल इनकम में क्या है, आज जैसे मानो इंडिया का 1200 है या 1400 है पर कैपिटा इनकम डॉलर, ठीक है। अब आप यहाँ से 5,000 to 6,000 तो ले जाओगे, पर उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे, जैसे आपकी डेवलप कंट्रीज यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये हो गया, मतलब आप मिडिल इनकम में फंस गए, मिडिल इनकम ट्रैप यही है, मिडिल इनकम में आप फंस गए। वी हैव कट थ्रू द पॉवर्टी इशू, वी हैव रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लास्ट सेंचुरी विच आर रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, एंड इन कपल ऑफ ईयर दिस चैलेंजेस वॉन्ट रिमेन। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और कुछ दिनों में, कपल ऑफ ईयर, कुछ सालों में ये प्रॉब्लम्स दिखेंगे भी नहीं इंडिया में। नाउ वी हैव टू गेट टू नेक्स्ट लेवल, अब नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। आर मोमेंटम विल टेक यू थ्रू द नेक्स्ट 3 to 4 years, 3 से 4 साल लगेंगे, देन यू विल स्टार्ट हिटिंग द मिडिल इनकम ट्रैप। 3 से 4 साल बाद आप इसी
मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने लगोगे। द सीईओ ऑफ द गवर्नमेंट थिंक टैंक एक्सप्लेन, तो ये गवर्नमेंट थिंक टैंक ने ये चीज़ समझाई है। हाउ डू यू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटी एज यू सी ग्रोथ इन इंडिया हैपनिंग इन सम पार्ट्स विद द ईस्ट एंड नॉर्थ गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड एंड द वेस्ट एंड साउथ पुशिंग अहेड। तो हम लोग देखते हैं अगर ये अपना इंडिया है, ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट डेवलप हो जा रहा है और ये वाला पार्ट छूट जा रहा है, तो मतलब ये बस इतना ही क्यों डेवलप हो रहा है, ये क्यों छूट रहा है, तो वही चीज़ है। इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री, तो ये गुड नहीं है, ये रीजनल डिस्पैरिटी आपकी हो जा रही है। वाइल इंडिया शेयर इन द ग्लोबल जीडीपी हैज ट्रिपल फ्रॉम 1.1% इन 1991 टू 3.5% 2023 एंड इट हैज बिकम द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। नन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक, कॉन्ट्रैक्टर, लीगल कंसल्टेंसी और अकाउंटेंसी फॉर्म आर फ्रॉम इंडिया। तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट बैंक्स में इंडिया इंडियन बैंक्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, कंसल्टेंसी में इंडियन कंसल्टेंसी नहीं है, अकाउंटेंसी फॉर्म में इंडियन फॉर्म्स नहीं है, ये चीज़ पॉइंट आउट हुआ है। हमें बड़ा बनने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा चीज़ करना पड़ेगा, वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बैंक है वो इंडियन क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए। द होल थिंग इज देर शुड बी इंडियन फॉर्म डोनेटिंग पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप। वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट आई टी सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, बट आर वी द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एक्सपोर्ट्स में तो हम लोग सबसे बड़े हैं, आई टी सेक्टर में क्या हम सबसे बड़े डेवलपर है? रेटोरिकली नथिंग दैट द प्लान ऑल्सो एक्सप्लोर विद सेक्टर्स एंड कंपनीज कैन बी पुश टू बिकम ग्लोबल चैम्पियंस। डेवलपिंग द स्किल सेट दैट इंडियाज यंग पॉपुलेशन नीड टू मीट ग्लोबल नीड्स इज another priority. There is a huge demand for our nurses in the world, but half of our colleges are not even accepted on the other side. ठीक है, some states are sending nurses in huge numbers while some are not. तो ये disparity है, कहीं पे कोई चीज़ बहुत अच्छा है, कहीं पे वो चीज़ बहुत गंदा है, यही होता है ना कि आप एक सब्जेक्ट में 100 ले आओ और एक में आप 50 ले आओ, आपका एवरेज तो बन गया 75 का, तो आप 75% मार्क्स लाओ, आपको हर स्टेट में कुछ नहीं तो 90-90 करना चाहिए, 85-85 करना चाहिए, तब आपका डेवलपमेंट, ये रीजनल डिस्पैरिटी खत्म होगी, तब आप प्रॉपर अच्छी तरह से डेवलप हो गए। और सिर्फ वर्ल्ड की इकॉनमी बनना नहीं, अपने जो इंस्टीट्यूशन है, सोशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, लीगल कंसल्टेंसी फॉर्म्स हो गए, अकाउंटेंसी फॉर्म्स हो गए, ये वर्ल्ड में एक बड़े लेवल पे हमारे एस्टेब्लिश होने चाहिए, ये नहीं होगी तो इंडिया डेवलप कैसे होगी। तो बस यही था इस आर्टिकल में, ये विजन अभी इंडिया का आने वाला है, इसमें मिडिल इनकम ट्रैप हमें देख लिया हमने क्या है, इस लेवल के बाद हमारी कंट्री हमारी क्या हमारी तो डेवलप करेगी, दूसरी डेवलप कई बार नहीं करती है, तो वही हो गया आपका मिडिल इनकम ट्रैप। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।